पैरेलल ऑपरेशन और थायरिस्टर, तो थायरिस्टर का पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो हम क्या ध्यान रखते हैं? तो पैरेलल ऑपरेशन करते समय करंट रिक्वायर्ड है लोड के द्वारा, अगर करंट की मांग ज्यादा की जाती है तो हम पैरेलल ऑपरेशन है थायरिस्टर का करते हैं। यानी किसी थायरिस्टर की रेटेड करंट कम है और लोड की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो पैरेलल में कनेक्ट करके हम उसकी लोड की रिक्वायरमेंट को पूरी कर देते हैं। जब हम पैरेलल में जब इनको कनेक्ट करते हैं तो इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, आईवी करेक्टरिस्टिक्स है, वो सेम नहीं होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं आईवी करेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं है तो करंट की वैल्यू हम इस तरीके से निकालते हैं, आई वन प्लस आई टू डिवाइड बाई टू आई वन, फिर इसको सॉल्व करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि वन बाई टू वन प्लस आई टू बाई आई वन है। अब इसमें जो पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है तो दो थायरिस्टर का, तो उसकी आईवी करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग दिखा रखी है और पैरेलल में ऑपरेट करवाने पर जो करंट की रेटिंग है वो बढ़ जाती है, इसलिए हम पैरेलल में इनको कनेक्ट करते हैं। तो एसीआर दो पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं। यहां पर फॉरवर्ड कंडक्शन के अंदर जब एसीआर का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है बीटी टर्मिनल वोल्टेज होता है, ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए दोनों टर्मिनल, दोनों एसीआर के अक्रॉस है। ये पैरेलल कनेक्टेड एसीआर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप है बीटी, इक्वल होना चाहिए। और सेम वोल्टेज ड्रॉप है एसीआर वन के अक्रॉस है तो सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसके अक्रॉस है आई वन करंट ड्रॉ करेगा और इसके अक्रॉस आई टू करंट ड्रॉ करेगा। लेकिन क्या होता है, जो रेटेड करंट होती है आई वन तो और आई टू करंट जो रेटेड करंट होती है, तो आई वन से ज्यादा आई वन की वैल्यू है ज्यादा होती है कंपेयर टू आई टू। तो जब हम इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं करंट की कैलकुलेशन के लिए, तो एसीआर वन के द्वारा जो करंट शेयर की जाती है आई वन, रेटेड करंट शेयर की जाती है, वो एसीआर टू के द्वारा जो करंट ली जाती है आई टू, उससे क्या होती है आई वन से लेस देन होती है। इस वजह से क्या है, टोटल करंट कैरीड बाई यूनिट आई वन एंड आई टू इज नॉट द रेटेड करंट ऑफ टू आई वन एज रिक्वायर्ड। स्टिंग एफिशिएंसी हम इससे निकाल लेते हैं, यानी आई वन प्लस आई टू डिवाइड बाई टू आई वन, इससे हम स्टिंग एफिशिएंसी है पैरेलल कनेक्शन के अंदर निकाल लेते हैं। अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉब्लम यहां पर होती है पैरेलल ऑपरेशन में। तो हम क्या करते हैं, इनके लिए एक तो साइमल्टेनियसली ये ऑन होने चाहिए, इनकी वजह से क्या है प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे एन पैरेलल कनेक्टेड एसीआर लाइनें हैं, यानी एन कनेक्टेड हम लाइन कर देते हैं पैरेलल में, और सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन के लिए वो एक साथ ऑन होनी चाहिए। और द इम्पोर्टेंस ऑफ दियर साइमल्टेनियस टर्न ऑन कैन बी एक्सप्लेन्ड विथ एग्जांपल दैट, जैसे एसीआर वन है लार्ज टर्न ऑन टाइम है मान लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एसीआर वन का टर्न ऑन टाइम ज्यादा है जबकि जो रिमेनिंग एन माइनस वन रहेंगे उनका टर्न ऑन टाइम कम है, यानी कि लो टर्न ऑन टाइम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एन वन एन माइनस वन जो एसीआर हैं वो पहले टर्न ऑन हो जाएंगे, और एसीआर वन है उसका लॉन्गर टर्न ऑन टाइम होने की वजह से ये ऑफ ही रहेगा। और वोल्टेज ड्रॉप है यहां पर एन माइनस वन के अक्रॉस, वो लो वैल्यू पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये पहले ऑन हो गए हैं, और एसीआर वन के अक्रॉस है ये वोल्टेज ड्रॉप है, ये क्या हो जाएगा, ये लो वोल्टेज है एसीआर वन के अक्रॉस भी अप्लाई होगा। तो गेट ड्रिवन पावर के अकॉर्डिंग एनोड टू कैथोड मस्ट हैव सेम मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज। तो जो गेट ड्राइव पावर होती है एनोड से कैथोड के बीच में वो कुछ मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज होता है, और ये जो लो वोल्टेज है यहां पर अप्लाई हो जाएगा। इस वजह से क्या कहलाता है, जो गिवन गेट ड्रिवन पावर है एनोड से कैथोड मस्ट हैव सम मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज, जिसे कहते हैं फिंगर वोल्टेज। जो एनोड से कैथोड के बीच में जो मिनिमम वोल्टेज होता है उसे फिंगर वोल्टेज कहते हैं, और थायरिस्टर को ये टर्न ऑन कर देगा। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द एसीआर ड्रॉप टू ए वैल्यू लेस देन द फिंगर वोल्टेज, अगर ये वोल्टेज ड्रॉप है जो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप है ये एसीआर वन के अक्रॉस भी अपेयर होगा, अगर ये लेस देन फिंगर वोल्टेज है देन द थायरिस्टर विल नॉट टर्न ऑन, और अगर ये वोल्टेज ड्रॉप है ये ग्रेटर देन फायरिंग वोल्टेज हो जाएगा, यानी फिंगर वोल्टेज होता है ग्रेटर देन फिंगर वोल्टेज जाएगा तो ये थायरिस्टर है ऑन हो जाएगा। एज ए कॉन्सिक्वेंस द रिमेनिंग एन माइनस वन जो एसीआर होंगे यहां पर
दे आर ऑलरेडी ऑन, विल हैव टू शेयर द इंटायर लोड करंट, तो सारे लोड करंट को शेयर करते हैं। एज मच दीज एस सी आर मे बी ओवरलोडेड और डैमेज बिकॉज ऑफ द हीटिंग और ओवर करंट की वजह से ये एस सी आर डैमेज हो सकते हैं। तो जो पहले से एस सी आर हैं वो सभी लोड करंट को शेयर करेंगे और इसकी वजह से एस सी आर है ओवरलोड हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। फिर क्या होता है, सेम टेम्परेचर राइज, इनका जो टेम्परेचर राइज है वो सेम होना चाहिए अगर दोनों एस सी आर को पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन सेम सेम टेम्परेचर राइज। इफ वन एस सी आर इज पैरेलल यूनिट विद द कैरीज मोर करंट देन द अदर एस सी आर, अगर एक एस सी आर कोई सा है ज्यादा करंट ले रहा है कंपेयर टू द अदर एस सी आर, तो क्या होगा, जैसे एस सी आर वन ज्यादा ले रहा है, एस सी आर हैव ग्रेटर जंक्शन टेम्परेचर राइज, तो ज्यादा करंट लेगा ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा। एज ए रिजल्ट इट्स डायनेमिक जो रेजिस्टेंस है, इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस जो फॉरवर्ड कंडक्शन के अंदर होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस, वो डिक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से फर्दर करंट की वैल्यू है इंक्रीज होगी और फर्दर इंक्रीज द करंट शेयर्ड बाय द एस सी आर एंड द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन इज राइज, तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू और बढ़ जाती है और इस वजह से क्या है डायनेमिक रेजिस्टेंस और इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। तो ये प्रोसेस है एनोड करंट की कम्यूटेटिवली चलती रहती है, करंट बढ़ती रहती है, टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है, करंट भी बढ़ती रहती है और एस सी आर क्या है डैमेज हो जाएगा। जब एस सी आर डैमेज हो जाएगा तो क्या है, इस कंडीशन में बाकी जो एस सी आर है ये सभी इसी एस सी आर के थ्रू एस्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, तो अगर ये डैमेज हो जाएगा तो ये क्या है बाकी स्ट्रिंग को, जो भी एसीआर के अंदर बाकी स्ट्रिंग में जो भी एसीआर है उनको क्या कर देगा, परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देगा। देयरफॉर व्हेन एसीआर आर ऑपरेटेड इन पैरेलल दे शुड बी इंश्योर्ड दैट ऑपरेटेड एट सेम टेम्परेचर एंड अचीव्ड बाय माउंटिंग द पैरेलल यूनिट ऑन ए कॉमन हीट सिंक, तो पैरेलल टेम्परेचर किसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, कॉमन हीट सिंक के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि ये कॉमन हीट सिंक यूज करते हैं, हीट सिंक को यूज करके हम पैरेलल टेम्परेचर है एंड टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। फिर है यूनिफॉर्म करंट शेयरिंग, तो ये करंट भी यूनिफॉर्म शेयर करनी चाहिए यानी सेम करंट शेयर करनी चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं यूनिफॉर्म करंट शेयरिंग के लिए हम रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं। करंट शेयरिंग इन पैरेलल कनेक्टेड एसीआर कैन बी मेड यूनिफॉर्म बाय कनेक्टिंग द सूटेबल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द ईच एसीआर, तो सूटेबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम कर देते हैं, तो इनमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए। सेमेटिकल अरेंजमेंट के लिए हम क्या करते हैं हीटिंग प्रोसेस में ले लेते हैं। सेमेटिकल अरेंजमेंट के लिए जब अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा पैरेलल यूनिट के अंदर तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टिव वेव हो सकता है। अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन द पैरेलल यूनिट इज आल्सो गिवन बाय द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, तो जब एस सी आर को अनसिमेट्रिकली कनेक्ट किया जाएगा, इस तरीके से अनसिमेट्रिकली कनेक्ट किया जाएगा, तो क्या होगा जो लीकेज है मिडिल कंडक्टर में मोर इंडक्टेंस लीकेज होगा, क्योंकि इसका भी इंडक्टेंस लीकेज फ्लक्स जुड़ेगा, इसका भी लीकेज फ्लक्स जुड़ेगा, तो मिडिल कंडक्टर के अंदर क्या होगा मोर इंडक्टेंस बिकॉज ऑफ द मोर फ्लक्स फ्रॉम द टू नियर बाई कंडक्टर, तो इसमें मोर इंडक्टेंस होगा क्योंकि यहां से ज्यादा क्या है फ्लक्स आ रहा है। तो दिस अनइक्वल करंट की डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अवॉइडेड बाई माउंटिंग द एस सी आर सिमेट्रिकली ऑन द हीट सिंक, तो इस तरीके से हीट सिंक पर हम माउंट करके इसको इस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। अगला है मिड पॉइंट रिएक्टर। मिड पॉइंट रिएक्टर में क्या होगा, मिड पॉइंट रिएक्टर में जैसे इस सर्किट में मिड पॉइंट रिएक्टर कर दी लगा दिया है, तो इसी सर्किट के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूशन है मोर यूनिफॉर्म बाय मैग्नेटिक कपलिंग, तो इसी सर्किट में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा मैग्नेटिक कपलिंग से हम करते हैं और पैरेलल पाथ, तो इसमें क्या है टैप्ड पॉइंट ए है, ए पॉइंट पर इज मिड पॉइंट ऑफ द रिएक्टर एंड एनोड करंट आर सच दैट आई वन इक्वल टू आई, तो ये एनोड करंट क्या होगी आई वन इक्वल टू आई टू होनी चाहिए, इस तरीके से मिड पॉइंट पर रखना है ए को। एज ए इज द मिड पॉइंट द अपोजिट जो अपोजिंग फ्लक्स होंगे वो एक दूसरे से कैंसिल करने चाहिए, देयर फॉर द नो वोल्टेज ड्रॉप इन द रिएक्टर, तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर रिएक्टर में कुछ नहीं होना चाहिए। फ्लक्स जो फ्लक्स लिंकेज होता है ई एम एफ ऑफ एल वन यानी इधर एल वन में ई एम एफ और एल टू में ई एम एफ है, ये क्या होता है दीज फ्लक्स लिंकेज इंड्यूस्ड इन ई एम एफ एल वन एंड एल टू तो ये इक्वल होनी चाहिए, अगर आई वन की वैल्यू आई टू से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है जो फ्लक्स है रेजल्टेंट फ्लक्स है वो जीरो नहीं है,
अगर कोई सी करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो रिजल्ट फ्लक्स जीरो नहीं होगा, इस वजह से दोनों को सेम रखना जरूरी है। तो इसके लिए ईएमएफ रिएक्टर है इंडक्टर L1, रिएक्टर L1 अपोज दी फ्लो ऑफ I1, तो रिएक्टर L1 है फ्लो ऑफ I1 के अपोज करेगा और रिएक्टर L2 है I2 के फ्लो को अपोज करेगा। तो यहाँ पर टेंडेंसी होती है दोनों की एक दूसरे की कि I1 है बक का काम करेगा तो I2 है वोस्ट का काम करेगा। तो ये दोनों क्या है, मिनिमाइज दी अनबैलेंस करंट इन दी पैरेलल यूनिट। तो पैरेलल यूनिट में क्या है, अनबैलेंस करंट को ये मिनिमाइज कर देते हैं। व्हेन थ्री और मोर एसीआर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, रिएक्टर कैन बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सो एज मिनिमाइज दी करंट अनबैलेंस। तो ये करंट अनबैलेंस को मिनिमाइज करने के लिए हम ये रिएक्टर है माउंट करते हैं। तो इस तरीके से पैरेलल यूनिट है ये काम करती है। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉम्पिटिशन।